हर महिला का सपना होता है माँ बनना, लेकिन कई बार शरीर में कुछ कमियों के चलते वे माँ नहीं बन पाती। ऐसे में उनके लिए वरदान है IVF ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में माँ को अपने खान पान का खास ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कई केसेस में देखा जाता है कि IVF ट्रांसफर के बाद महिला माँ तो बन जाती है पर अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। इसलिए ना सिर्फ ड्यूरिंग दी IVF प्रोसेस, इनफैक्ट लेटर ऑन भी आपको अपनी डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर IVF ट्रांसफर होने के बाद आपको क्या कुछ नहीं खाना चाहिए। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका। सबसे पहला है पनीर या चीज। IVF ट्रीटमेंट के दौरान पनीर या चीज से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, खासकर जो मोल्ड चीज होती है उन्हें IVF ट्रीटमेंट करवा रही महिलाओं को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चीज या पनीर खाने की वजह से महिलाओं को लिस्टेरिया इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो गर्भवती महिलाओं को आसानी से हो जाती है और आफ्टर प्रेगनेंसी भी इसका खतरा बना रहता है। आर्टिफिशियल शुगर। माना जाता है कि सामान्य और स्वस्थ लोगों को भी आर्टिफिशियल शुगर का सेवन नहीं करना चाहिए। असल में आर्टिफिशियल शुगर में सैक्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अगर आप ट्रीटमेंट के बाद इसे खाते हैं तो ये डायबिटीज का शिकार बना देती है और इसका सीधा असर आपके ब्रेस्ट मिल्क पर भी पड़ता है। रिफाइंड शुगर को भी आफ्टर दिस ट्रीटमेंट आपको खाने से बचना चाहिए। देखिए, बेशक आपको ये खाने में टेस्टी लगे, पर क्या आप जानते हैं कि रिफाइंड शुगर को बनाते समय इसमें से जितने भी जरूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सभी को निकाल दिया जाता है। ऐसे में ये ड्यूरिंग प्रोसेस भी आपकी प्रेगनेंसी पर काफी बुरा असर डाल सकता है। सी फूड की बात करें तो बेशक इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन अनकुक्ड सी फूड खाने से आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। प्रोटीन के अलावा इनमें मरकरी भी काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो आपके ब्रेस्ट मिल्क में घुलकर भी आपके बच्चे पर इसका बुरा असर छोड़ सकता है। कैफीन। IVF ट्रीटमेंट करवा रही महिलाओं को कैफीन और चाय का सेवन भी कम मात्रा में करना चाहिए। डॉक्टर्स की माने तो कैफीन के सेवन से IVF ट्रीटमेंट पर कुछ खास असर नहीं पड़ता, इसका कोई जोखिम भी नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्च में ये पता लगा है कि हर दिन 1 से 2 कप से ज्यादा कॉफी पीने की वजह से मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और ट्रीटमेंट के बाद भी ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप दोबारा कंसीव नहीं कर सकते। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।